किसी भाई ने सवाल किया है इंडिया से, ये पूछ रहे हैं कि सूरह फातिहा के बाद इतनी ज़्यादा सूरतें नहीं आती, तो कौन सी सूरत सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर देखिए इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना टाइम ख़राब करता है, फालतू चीज़ें में वक्त ज़ाया करवाता रहता है। अब ये जो वक्त ज़ाया करवाना होता है, ये सिर्फ शैतान की तरफ से होता है। अब अच्छे शैतान का मकसद क्यों होता है, ये क्यों करवाना होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इंसान इल्म ले, इसलिए उसकी कोशिश होती है इसको इल्म से दूर रखे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है कि वो इल्म हासिल करे। आप समझें कि अगर हम 5 मिनट किसी दोस्त के साथ बैठे हैं या किसी के साथ कुछ फालतू काम करें जिसका कुछ मकसद नहीं है, ना वो आखिरत में काम आने वाला है, ना वो हमारी कब्र में काम आने वाला है, किसी चीज़ में काम आने वाला नहीं, हमने 5 मिनट बर्बाद कर दिए। अगर यही अगर 5 मिनट में हम लोग कुरान पढ़ लें, अल्लाह के कलाम को समझें, एक सूरत याद कर लें, 5 मिनट में एक छोटी सी सूरत याद हो जाती है, 10 मिनट में एक सूरत याद हो जाती है, तो इस तरह करते 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 इंसान एक छोटी सूरत से लेके बड़ी सूरतें भी हिफ्ज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप जितनी भी ज़्यादा कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ आएगी। लेकिन जैसे शैतान दिलों में मायूसी डालता है, इंसान अगर चाहे तो कोशिश से कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंसान नफ्स की बात सुनता है। अब नफ्स क्या कहता है, अगर हम सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर को 53 में पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अबरा नफ्सी इन नफ्स लमारत बिस्सू। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि नफ्स जो है हमेशा बुराई की दावत देता है। तो इसी तरह शैतान दिल में वसवसा डालता है कि भाई तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हारी कमज़ोर अकल है, या तुम इस काबिल नहीं हो, तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तो तुमसे ये नहीं होगा। अब जैसे मैं ख़ुद की अपनी मिसाल लेता हूँ, जैसे मैंने किसी चीज़ के बारे में कुरान में से कुछ मेमोराइज़ करना था, तो मैंने देखा कि मैं पहले यही सोचता रहता था, यही सोचता रहता कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन मैंने दिल में ठान लिया, फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, रब्बे ज़िदनी इल्मन, रब्बे ज़िदनी इल्मन, रब्बे ज़िदनी इल्मन, रब्बी शराहली सदरी, रब्बी शराहली सदरी, रब्बी शराहली। तो अल्लाह ताला से मांगता गया मांगता गया, फिर मैंने उस चीज़ को एक पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको पढ़ता गया पढ़ता गया, एक सिर्फ़ अल्लाह की मदद से वो चीज़ हासिल हो गई, जिस चीज़ की वजह से मेरे दिल में एक शैतान ने मायूसी डाली हुई थी। इसी तरह दिल की बात एक सिर्फ़ शैतान का वसवसा होता है। हमें अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की मदद से सूरतें याद करें तो सूरतें याद हो जाएंगी। तो लेकिन अगर आपको जितनी भी सूरत आती है, लेकिन आप उसको फिर अच्छे तरीके से नमाज में तलावत करें, अगर आप सूरत फातिहे के बाद किसी बड़ी सूरत की तलावत करेंगे, फिर हमारा कनेक्शन उतना ही ज़्यादा अल्लाह के साथ पक्का होगा। तो हम लोग अगर जल्दी से हर वक्त एक ही चीज़ पढ़ते रहते, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, तो पढ़ते पर एक ऐसी चीज़ है कि जो कम से कम 2-3 सेकंड में लोग ख़त्म कर देते हैं, 2-3 सेकंड में पढ़ के फिर रुकू में चले जाते हैं। तो अच्छी बात है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूरतों को पढ़ें और उसको अच्छे तरीके से तिलावत करें, क्योंकि जब हम अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमने हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर हम सिर्फ़ एक अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं और अल्लाह से बातें कर रहे हैं।